आज छठ के संजय घाट का दिन है, तो आज ये अब ठेकुआ बनने जा रहा है। अर्घ के लिए अर्घ दिया था जो शाम को सूरज भगवान को, उसके लिए अब ठेकुआ बनने जा रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है तो मम्मी बनाने जा रही है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अब चूल्हा बार रही है, उसमें कपूर डाल रही है, कपूर डाल के तब जलाएगी। चूल्हा को पूजा हो रहा है, पूजा करने के बाद इस पे बनाने का काम स्टार्ट होता है। अरे ठेकुए में डालने के लिए गड़ी कटा रहा है, सूखा हुआ नारियल, सूखी हुई केकड़ी काट रही है इसको। प्रीति के देखिए चाय बना रही है, सब्जी बना रही है, चावल बन रहा है, सब्जी बन रहा है। ऐसा लग रहा है छठ का है, आज छठ का सजिया घाट है, छठ पूजा के हर दिन शुभकामना है। देखिए अब मीठा उठा रहा है ठिकाने के लिए। देखिए मिठाई चूरा अच्छा, ये गाइस मीठा अभी थोड़ा गर्म कर इसमें निकाल लिए हैं, अभी सारा आ जाएगा तो इसको आटा में मिक्स करके फिर इसका साना आएगा, फिर उसके बाद इसका ठेकुआ बनेगा। जाएगा तो छना आएगा कपड़ा में। देखिए उसके बाद छनाएगा, अब मीठा छनाएगा, छान कर इसको उसी को आटा में घोला जाता है। कपड़े से मीठा छना रहा है, कचोड़ा को छिपा होगा এখন বলো। मीठा का पूरा छना चुका है, अब इसी से आटा सनाएगा ठेकुआ के लिए। बुकनिया का ले ली, तो
तू सब रात में हो जाएगा ठीक बा। अब आज एक दिन हटे तो बड़का छोटका तो नहीं ये हटे तो लोग ये कम काय करे कम करे ला लो बड़का छोट ये छोटा छोटा बेटी नवरात्रि उठाई लखाई सो आ छठ उठाई लिया बेटी के पापा जी पूजा करता हूँ आधा किलो ना तंका और हो गया गेहूँ जो पिसाया हुआ है पिसा हुआ गेहूँ से ही बनता है इसको धोधा के बनाते हैं उसी आटा का कोई मेरा तो जो कल्डी वाले खाते हो तो आड़े से क्यों आधे किलो नहीं दिखा वो आड़े से क्यों बाबू जिल्दे आड़े से क्यों बोल रहा है ये तीस और तीन के इतना हम ये तीस और छोटे बाकी सब निकाल चमच रख ले ओके छोड़ने का कुछ छोड़ निकाल कुछ लोग भी छोड़ जाते हैं हाँ निकाल हाँ � ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्टी होता है और अब के लिए सूजी का ही चौथा है अब आटा मिक्स हो रहा है घी मिक्स हो रहा है इसमें आटा में मैं दिया रहा है और अपना मोटर ऐसी सोता जी पे चढ़ता है हाँ उन्हें चल लिया गया है कंचन मोटर धो रही है इसी छोटा पर चढ़ाने के लिए कुनू खेल रहा है साटी का चाउर वो भी शीश होता पर जो चढ़ाने के लिए धोआ रहा है मटर धोआ गया साटी का चाउर धोआ गया और इधर आटा मिक्स हो रहा है घी में चूल्हा बना रहा है केसार बनने के लिए
रेडी हो रहा है। के लिए रेडी हो चुका है, उसको निकाला जा रहा है। इसका केसार बनेगा अब। साठी का चावल कूट के पड़ता है इसमें। ये सारे किस्म का लड्डू जैसा ही होता है। देखिए साठी का चावल फुटा रहा है बेलना पर। इसको कूट कर इसी में मिक्स किया जाएगा केसार में। उसको से मिक्स कर दिया गया। अब थोड़ा सा इसमें मीठा डालाएगा जो छाना हुआ था गीला करके। तो मिक्स हो रहा है। गर्म है आटो है। केसार बना रहा है। अर्घ देने के लिए पूरी बन जो बनता है उसका आटा सान रही है कंचन। डम लगा के हईसा कंचन एक मरदा भैंसा डम लगा के हईसा। देखिए ठेकुआ के लिए अब घी रेडी हो रहा है। ठेकुआ के लिए पूरा रेडी हो रहा है। इधर अर्घ के लिए पूरी रेडी है। अब अरक का पूरी निकलेगा। तेल गरम होने दो, घी गरम हो जाने दो। गरम होने के बाद अब घी चेक हो रहा है गरम हो। ये तो बढ़िया बराबर सीधा बैठल नहीं थी माँ करैया आगे पर लवल बा मत कर धीरे धीरे। ठीक बा ठीक बा धीरे धीरे मत ला ना कहने के बाद हमें सिखावट रहो। अरक का पूरी निकल रहा है दोस्तों। देखो घट जाए सी और बाजन ठीक लगती है तो प्रीति ठेकुआ के लिए बना रही है गोल गोल लोइया। सभी को वेलकम है। देखिए वहाँ पे ठेकुआ बन रहा है और रख देने के लिए। अभी वो थोड़ा थोड़ा ऐसा शेप में आ जाएगा। उसको शेप देने के बाद उसको घी में तलेंगे। ठेकुआ बन रहा है पूरा। इसमें धीरे धीरे धीमी आंच में इसको पकाना पड़ता है कि भीतर अच्छे से पके हो।
नहीं तो बाहर से आपको पका हुआ जैसे दिखेगा पर अंदर कांच ही रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से धीमी आंच पे पकाया जाता है। सब आटा के बनी छठ का अर्घ के लिए तैयारी हो रहा है। आज शाम को सजिया घाट है। देखिए इधर ठेकुआ निकल रहा है, अलग से रखना गिरना। मोबाइल दे दे, चार्ज हो रहा है बेटा। देखो ना जाए कितना परसेंट चार्ज हुआ है, देखो तो 80% से ऊपर हुआ होगा तो निकाला, नहीं तो होने देना तंगा दे रहा हो। ठीक है, गोड़ धो के जाना है, इसी मत जाना उधर पूजा का सामान है। रुको, आ रही है, इससे निकलवा लेना। रुको, उसको बोले 80% तब जाकर देखेगा, नहीं तो निकालने में वो छोड़। बोले तो 80% उसको, 80% हो गया होगा ना बेटा, तभी निकालना। ठीक है, ये गाइस ठेकुआ निकल रहा है। देखिए दोस्तों, ठेकुआ निकालने के बाद ऐसे इसमें लौंग गाड़ दिया जाता है। ये आटा का ठेकुआ है गाइस, आटा मीठा और शुद्ध घी से बनता है ये। ये गाइस ठेकुआ अब लगभग पूरा रेडी हो चुका है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। ये गाइस अब ठेकुआ बनकर पूरा रेडी है, अब ये अरक में यूज होगा। अभी यहाँ पे साँझ को अर्घ के लिए फल फूल भी सब रेडी है। देखिए जब साँझ को सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है छठी मैया का पूजा के लिए। देखिए गाइस सब ठेकुआ बन के रेडी हो चुका है, अर्घ के लिए तैयार है ये। छठ में सजिया घाट की पूजा होगा इससे, और यहाँ पे प्रीति सब रेडी कर रही है, अर्घ का तैयारी कर रही है। अथी सात गो नींबू है तो एक गो भी तो घट रहा है, आठ गो यहाँ प्लेट है ना। तो देखिए गाइज छठ पूजा का सजिया घाट का तैयारी लगभग लगभग पूरा हो चुका है। आज सजिया घाट है तो उसी के लिए ये सब तैयारी हो रहा था। अब आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। जो भी लोग हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले छठ के वीडियो में। बाय बाय।